नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 7 न्यूज। जागेश्वर महादेव प्रबंधक सभा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें सावन मास के द्वितीय सोमवार को विशाल दंगल एवं बाबा के भव्य श्रृंगार दर्शन हेतु जानकारी दी गई। जागेश्वर महादेव प्रांगण में होने वाला यह दंगल लगभग 300 वर्ष पूर्व से सावन मास के दूसरे सोमवार को आयोजित होता है। इस वर्ष भी यह आयोजन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ किया जाएगा, जिसमें विधायिका नीलमा कटियार व अन्य सभी गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। कुश्ती का कार्यक्रम 3 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। कुश्ती पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों के लिए है। यह कुश्ती एक चैलेंजिंग कुश्ती होगी। जागेश्वर अखाड़े में कुश्ती के लिए कानपुर ही नहीं, प्रदेश के अन्य जनपदों से भी पहलवान आकर अखाड़े में अपना दाव आजमाएंगे। अभी तक लगभग 90 पहलवानों द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाया जा चुका है। पत्रकारों से वार्ता क्रम में जितेंद्र कुमार पांडे ने बताया, कुश्ती के दौरान जागेश्वर केसरी भी घोषित किया जाएगा। प्राण श्रीवास्तव, महामंत्री हूँ इस कमेटी का। हमारे आदरणीय श्री अध्यक्ष जी, गया जी, रमेश भाई, शांतनु भाई, दंगल संयोजक जीतू भाई, सह संयोजक रामचंद्र जी। देखिए, 300 वर्ष पुराना दंगल है ये। पहले तो 300 वर्ष पुराना मंदिर है, 3.25 बीघे जगह है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा प्रांगण है बड़ा, तो बहुत पुराना इतिहास हमारे पास नहीं है, लेकिन मंदिर का जो इतिहास है वो 300 वर्ष पुराना है। तो दंगल को भी 300 वर्ष पुराना ही मानते हुए, दंगल बहुत छोटे से चालू हुआ, आज बहुत विस्तृत रूप में दंगल होने जा रहा है। हमारी पूर्व राज्य मंत्री माननीय श्रीमती नीलमा कटियार जी द्वारा इसमें 49,49,000 रुपए से इसका नवीनीकरण सुंदरीकरण कराया गया है। उसके बाद कल उनके द्वारा इसका उद्घाटन है। उसके बाद क्षेत्र के नगर के लगभग सभी विधायक, श्री महेश त्रिवेदी जी, नगर अध्यक्ष सुनील बजाज, सुरेंद्र मैथानी, सांगा जी, सभी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। हमारे भाई साहब आ गए, अमिताभ जी। तो ये जो यहाँ का दंगल है, इसकी विशेषता ये है कि इसमें महिलाएं भी कुश्ती लड़ेंगी, और अगर कोई महिला पुरुष भी लड़ना चाहता है तो वो लड़ सकता है। चैलेंज कुश्ती भी होगी। उसके बाद हम लोग यहाँ जागेश्वर केसरी बनाएंगे, उसको गदा देकर जागेश्वर केसरी बनाएंगे। 51,000 रुपये तक का पुरस्कार है।